घटना है जिला राजौरी के ढांगरी के अंदर। कल रात को तकरीबन 6:45 का एक वाकया है कि एक ढांगरी, एक तो हिंदू मेजोरिटी गांव है, संदिग्ध लोग वहां पे आते हैं, नाम पूछे जाते हैं, लोगों के आधार कार्ड चेक किए जाते हैं और बेरहमी से उनको मारा जाता है। पुलिस प्रशासन को जब पता लगता है तो वो एक घंटा मौके से लेट पहुंचते हैं। और दूसरी बात, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रोल इस पूरे एपिसोड में रहा। एडीसी राजौरी 9 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में आते हैं। मतलब आर्मी अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो सिविल इंतजामिया का फर्ज बनता था कि वो लोगों के बीच आए, पर एक नेगलिजेंसी है उन लोगों की और वो लोग रात को 9 बजे वो बंदा वहां पे पहुंच रहा है, एडीसी हॉस्पिटल में आ रहा है। और दूसरी बात, पिछले 2 महीने से सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, आर्मी को, बेल्ट फोर्स को पता था कि यहाँ पे 2 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। सर्च ऑपरेशन मरादपुर के क्षेत्र में भी हुआ, फलियाना वाली घटना हुई और सिक्योरिटी फोर्सेज की नींद नहीं खुली, वो अपनी आंखों से नहीं जागी। जिला इंतजामिया राजौरी भी और सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं वो अपनी उससे नहीं जागी, और जिसके कारण आज परिवार के परिवार डांगरी क्षेत्र के अंदर जो थे उनको मौत के घाट उतारा गया और चुन चुन के नाम पूछ पूछ के मारा गया और आइडेंटिफाई किया गया, हिंदू है तो मारा गया। मतलब हिंदू होना पाप है, ये साहिल जी सीधी सी बात है। 90s का जो दौर कश्मीर के अंदर किसी टाइम में था आतंकवाद का दौर, वो राजौरी में लाने की एक पूरी प्लानिंग चल रही है, एक प्लानिंग तरीके से ऐसा हो रहा है। और जिला इंतजामिया राजौरी ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीना पहले इन डांगरी के लोगों से जो VDC वेपन थे वापस लिए गए थे। अगर उनको रिपोर्टें थी कि भाई कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, संदिग्ध लोग घूम रहे हैं यहां से, उसके बाद VDC वेपन वापिस लेना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया इसको संज्ञान लेना चाहिए और LG प्रशासन, रात का परिवार वालों के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनकी मांग है LG यहाँ पे मौके पे आए और उनके सवालों के जवाब दे। VDC वेपन क्यों लिए गए जब आपको पता है कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट है लोगों को, टारगेट किलिंग चुन चुन के हो रही है और राजौरी में इतना बड़ा वारदात होगी और LG अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। हमारी सख्त डिमांड है LG मनोज सिन्हा मौके पर आएगा, उससे बात होगी, फिर अगला देखा जाएगा कि अगला हमने क्या करना है। और साहिल जी, कल रात को 4 डेथ हो गई थी, आज सुबह फिर बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, IED ब्लास्ट हुई है ऐसा पता लग रहा है, और 2 जाने उसमें हमने कीमती जाने अपनी वो भी हमारी गई है। और अगर रात को इतना बड़ा कार्डन चल रहा था आर्मी और पुलिस का, तो सुबह वहां पे IED कैसे आई? या रात को अगर IED लगाई थी तो मतलब सिक्योरिटी फोर्स इतनी लापरवाह क्यों? मतलब कि ठेका ले लिया ना इन लोगों ने कि कत्ल करवाना ही करवाना है इन लोगों का। और अभी तक 6 डेथ लोगों की हो चुकी हैं और 3 लोग सुबह के घायल हैं और बाकी 6 लोग रात को जख्मी हैं।